हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है बढ़िया ही होगा। आज हम लोग मिशन सुपर 30 डे में लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो मिशन सुपर 30 डे चल रहा था उसमें भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही देख रहे थे, लेकिन आज हम लोग मोस्ट VVI लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। मिशन सुपर 30 डे का ये जो हमारा है ये पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो पांच और लॉन्ग क्वेश्चन बचेंगे ये हमारा है आज का अवतल। अवतल गोलीय सतह, अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन, अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। यह हमारा क्या है? अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र। यह जो हमारा है ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसी को याद करके कभी कभी पूछा जाता है। सिद्ध करे, अवतल गोलीय सतह के लिए क्या होता है आपको? सिद्ध करे μ2 बटे भी माइनस μ1 बटे यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर। यह हमारा क्या है? अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सिद्ध करे μ2 बटे v माइनस μ1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक अवतल गोलीय सतह लेते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल गोलीय सतह है जिसका ये हमारा प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव P, ये Q। प्रधान अक्ष पर O कोई वस्तु है जिससे चलने वाली किरण S बिंदु पर मिलती है और R दिशा में अपवर्तित हो जाती है। इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर इसका प्रतिबिंब हमारा आई पर बनता है। इस पर लंब डाले हम लोग CN। ए भी हमारा क्या है? अवतल गोलीय सतह है। इस पर लंब हम लोग क्या डाले? CN लंब डाले जो इससे होकर गुजरती है। यह दो माध्यम μ1 और μ2 के बीच स्थित है। ये सी पर बना कोण हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा और ये हमारा थीटा है। ये हमारा टोटल कोण है आई और ये हमारा अपवर्तन कोण आर है। तो चलते हम लोग किसमें? त्रिभुज SOC में। त्रिभुज SOC में SOC कहा हमारा? SOC बहिष्कोण अल्फा बराबर आई प्लस थीटा। बहिष्कोण अल्फा बराबर, बहिष्कोण जो होता है किसी भी त्रिभुज का वो दूर के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अल्फा बराबर आई प्लस थीटा। इससे अगर हम लोग आई निकाले तो अल्फा माइनस थीटा। इसी तरह अगर ले हम लोग त्रिभुज SIC में, त्रिभुज SIC में SIC हमारा है SIC। इसमें भी अगर ले हम लोग तो अल्फा बराबर आर प्लस बीटा। त्रिभुज का बहिष्कोण दूर के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इससे अगर हम लोग आर निकाले तो अल्फा माइनस बीटा। ये होता है हमारा
अब क्या कहता है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है हमारा म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर, ये हमारा स्नेल का नियम कहता है। अब कह रहा है कि यदि म्यू वन यदि साइन आई, साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर लेने पर, साइन आई की जगह हम लोग आई देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू वन इंटू आई, म्यू वन इंटू आई बराबर म्यू टू इंटू आर, और आई और आर हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं तो इसका मान देंगे तो क्या होगा हमारा म्यू वन इंटू आई हम लोग निकाले अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा और म्यू टू इंटू आर हम लोग निकाले हैं अल्फा माइनस बीटा। अब हमारा क्या कहता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, इस हिसाब से अगर हम लोग अल्फा बीटा और थीटा निकाले तो अल्फा, अल्फा हमारा है यहाँ, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं चाप हमारा है एसपी बटे त्रिज्या पीसी, बीटा बराबर एसपी बटे पी आई और थीटा बराबर एसपी बटे में पीओ, यह हमारा क्या है अल्फा बराबर एसपी बटे पीसी, बीटा बराबर एसपी बटे पी आई और थीटा बराबर एसपी बटे पीओ। हम लोग अल्फा बीटा और थीटा का मान देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू वन इंटू एस पी बटे पी सी माइनस एस पी बटे पी ओ, हमारा थीटा है एस पी बटे पी ओ और क्या हो जाएगा म्यू टू एस पी बटे अल्फा हमारा है पी सी माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा एस पी बटे बीटा हम लोग निकाले हैं पी आई, इतना होगा हमारा। अब क्या कहता है हमारा, अब हम लोग इसमें से एस पी कॉमन ले सकते हैं म्यू वन इंटू एस पी कॉमन लिए एक बटे पी सी माइनस एक बटे पी ओ, इधर म्यू टू एस पी कॉमन लेंगे तो हमारा एक बटे पी सी माइनस एक बटे पी आई, इतना होगा। एस पी से एस पी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, म्यू वन इंटू एक बटे पी सी, पी सी को हम लोग क्या ले सकते हैं पी सी ध्रुव से वक्रता केंद्र, तो यह हमारा हो जाएगा आर माइनस यह हमारा क्या हो जाएगा पी ओ, पी ओ के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं एक बटे यू, इतना ले सकते हैं। अगर साइन कन्वेंशन का उपयोग करें तो यह हमारा क्या हो जाएगा यहां से यहां लेंगे तो हमारा माइनस आर एक बटे माइनस आर माइनस एक बटे माइनस यू बराबर म्यू टू एक बटे माइनस आर माइनस एक बटे माइनस भी, इतना होगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू वन इंटू माइनस एक बटे आर
प्लस एक बटे यू बराबर यह हो जाएगा म्यू टू माइनस एक बटे आर प्लस एक बटे भी। इसे नोट करें, अब हम लोग इस तरफ बाएं तरफ म्यू वन से और दाएं तरफ म्यू टू से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस म्यू वन बटे आर प्लस म्यू वन बटे यू बराबर माइनस म्यू टू बटे आर। म्यू टू बटे आर प्लस म्यू टू बटे भी, इतना लिख सकते हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस म्यू टू म्यू वन बटे यू को बाएं तरफ से दाएं तरफ लाएंगे और माइनस म्यू टू बटे आर को दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बटे आर, चूंकि हमारा ऋणात्मक है इसलिए आगे धनात्मक हो जाएगा, माइनस म्यू वन बटे आर बराबर म्यू टू बटे भी माइनस म्यू वन बटे यू। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा, आर म्यू टू माइनस म्यू वन और इधर हम लोग जो कहते हो म्यू टू बटे भी माइनस म्यू वन बटे यू। इसको सीधा कर ले हम लोग, म्यू टू बटे भी माइनस म्यू वन बटे यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर, यही हमको सिद्ध करना था। ये अवतल गोल ये सतह से अपवर्तन का सूत्र है, इसे विशेष रूप से देख जाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।